सेकेंड वीडियो इज ऑन. तो यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका देखते हैं. 18/45 है. अच्छा डिविडेंड चल रही है. 2 से 18 तो डिविजिबल है बट 45 डिविजिबल नहीं है, है ना. तो वी विल कम टू 3. अभी देखो 3 से 18 डिविजिबल है. 45 डिविजिबल है क्या 3 से? यस. एनीवन? यस मैम. Yes, ma'am. कैसे? ये कैसे पता चला? यहाँ लिखा हुआ इसलिए पता चला. No. आपको तो 3 10s और 30 तक ही आता है, तो कैसे पता चला कि 3 से 45 डिविजिबल है? चेक करके देखना होगा. इसके लिए मैथ्स में हमेशा रफ पेज रखो और चेक करते हुए देखते जाओ. 3 1s are 3, 1 5, 3 5s are 15. अगर ये पूरा अगर कट जाए दैट मीन्स 3 से 45 डिविजिबल है. ओके तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 लिखेंगे. तो 3 6 18 होता है एंड यहाँ पर 15 आया ना, सो वी विल राइट हियर 15. ओके अब 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम यहाँ पर 3 के बाद 4 देखेंगे. 2 तो देख लिए हम, 3 देख लिए, 3 से है अब 4 देखेंगे. देखो बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दो, डिस्टर्बेंस हो रहा है. ठीक है देखो 4 के टेबल में 18 तो आता नहीं है, तो इट विल बी 4. माइक कॉफ करो विधि एंड मोक्ष. विधि विधि अनांगड़ी होते जा रहे हैं ऐसा आंधी. ओके 4 से डिविजिबल नहीं है, देन वी विल चेक इट 5. 5 से भी 18 डिविजिबल नहीं है. 5 है ना, 5 के टेबल में 0 और 5 जिसके एंड में रहेगा वही बस डिविजिबल है. 6 के टेबल में 18 तो डिविजिबल है, 45 6 के टेबल में नहीं आता है ना. सो वी विल अगेन स्किप 6, देन 7 वी विल चेक. 7 के भी टेबल में 18 नहीं आता है. उसके बाद 7 के बाद 8, 8 से भी 18 और 45 डिविजिबल नहीं है, देन वी विल चेक 9. तो देखो 9 के टेबल में 9 2s are 18 होता है, 9 5s are 45 होता है ना. तो हम लोग यहाँ पर 9 लिखेंगे. ठीक है तो ये आ गया. तो दीज एंड दीज आर द two equivalent fraction of this number. उसी तरीके से B number हम लोग एक बार देखते हैं. Okay, B number is quite easy. We will come to question number F. Question number F is 88 divided by 100. अब इसका 2 equivalent fraction ओके तो इसका हम 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे. तो देखो सबसे पहले देखो ये बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है तो यहाँ पर अगर तुम 2 से अगर चेक अगर करना अगर चाहते हो तो यू कैन चेक इट फ्रॉम 2. 2 से इसको डिवाइड करते हैं. 2 4 8 कट गया और ये फिर 2 4 8 ये भी कट गया है ना, 0 आ गया. तो 88 तो डिविजिबल है, देन लेट वी चेक 100. तो 100 को फिर 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 5s are 10, 0 उतरा फिर ये 0. देखो यहाँ पे भी ये 0 आ गया, यानी कि 100 भी डिविजिबल है. और हम लोग 2 के लिए शॉर्टकट क्या पढ़े थे, 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं अगर किसी भी नंबर के वंस पर 0 2 4 6 या 8 अगर आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है. अगेन मैं ट्रिक बता दे रही हूँ. तो देखो यहाँ पर 8 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा. तो हमें चेक करने के बजाय फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे. यहाँ पे 44 है, सो वी विल राइट हियर 88 divided by 100 डिवाइड 2 कर सकते हैं एंड वी गेट 44 और यहाँ पे वी गेट 50. ठीक है नाउ अब डायरेक्टली हम देखेंगे 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा. किसी को आइडिया है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, वो चेक करके देखो. चेक करके देखो 3 से नंबर डिविजिबल है या नहीं.
मैम नहीं है। और मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देना चाह रही हूँ, हम लोग लास्ट चैप्टर में या डिवीजन के चैप्टर में हम लोगों ने एक और ट्रिक देखा था, 3 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसमें वो जो नंबर है उन दोनों का एडिशन 3 से डिविजिबल हो। लाइक ये दिस इज 8 + 8 = 16, क्या 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता है, ठीक है। 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरीके से 100 भी, 100 में 1 + 0 + 0 = 1 होता है, तो 1/3, दिस इज अगेन नॉट डिविजिबल, सो 100 विल आल्सो नॉट बी डिविजिबल बाय 3। तो ये दो ट्रिक था, मैंने एक बार रिविजन करा दिया। और जिसको ये ट्रिक नहीं याद होता है, दे कैन गो विद द लॉन्ग मेथड कि डिवाइड करते करते आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। धीरे धीरे इस पे एक्सपर्ट बनते जाओगे, सारे नंबर पहचानते जाओगे, ठीक है, पता चल जाएगा खुद ही कि ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं। बट ये लॉन्ग प्रोसेस पे जाना जरूर, ओके। तो यहाँ पर क्या है, 3 से नहीं है, तो वी विल कम टू 4। अब 4 से कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, 4 से हमें चेक करके देखना होगा, 4 × 8, ओके, एंड ये 8 हो गया, 4 × 8, ये कट गया पूरा, दैट मीन्स कि 88 तो चलो 4 से डिविजिबल है। देन वी चेक 100, तो 100 को अब हम देखेंगे, 4 × 8 2 हो गया, 4 × 5 = 20, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल है, यानी कि 25 आया। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाय 100 डिविजिबल, डिवाइडेड बाय 4 एंड 4, सो यहाँ पर 88 को जब डिवाइड किए थे तो वी गेट 22, सो राइट 22 हियर, और 100 को जब डिवाइड किए थे तो वी गेट 25, सो राइट 25 हियर। सो दीज आर द इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना 4 के? मैम, यस मैम। ओके, बन जाएंगे, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यस मैम। डू द फॉलोइंग फिगर्स शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट यस और नो। अभी यहाँ पर कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो कर रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लोगे आई थिंक, दिस इज 1/3, यहाँ पे लिखते जाओ 1/3, और दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/6 है, 2 हाईलाइटेड है एंड 6 ब्लॉक्स है, एंड ये है 1, 2, 3, तो ये 3 है एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3/8 है। नाउ इज इट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? नहीं है। यस मैम है। यस मैम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। नो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नो मैम। नो मैम। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, भूल गए सभी? सभी भूल गए? चलो इसको रिवाइज कर लेना एक बार फिर से, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको रिवाइज कर लेना, ये बताया गया था ना, ओके। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग अभी देखो कुछ, हम लोग फ्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। ये अच्छे से ये देखना, अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, फिर होता है अनलाइक फ्रैक्शन, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जिनका इतना शाउटिंग हो रहा है आप लोग अपना माइक ऑफ करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन है यूनिट फ्रैक्शन, और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
देखो ये बहुत ही इजी है, साक्षी नीलेश जय स्विच ऑफ योर माइक। साक्षी ऑफ करिए माइक। ओके तो ये बहुत ही इजी है बट इसे दो तीन बार रिवीजन करने की जरूरत है। मैं आज पढ़ा दी, फिर घर में रिवीजन करो, कल रिवीजन करो, देन यू विल गेट इट। ठीक है, तब इसे याद कर पाओगे लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल सा थिंग है। देखो हम लोग फ्रैक्शन में बस यही देखते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। अभी देखो डिनोमिनेटर अगर दो तीन फ्रैक्शन है साथ में, ठीक है, और अगर सारे की डिनोमिनेटर अगर सेम है, ठीक है, आई रिपीट, जैसे कि न्यूमरेटर कुछ भी हो, 2/5 है, ये 5/5 है, ये 7/5 है, डिनोमिनेटर अगर सभी के अगर सेम है तो उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। न्यूमरेटर कुछ भी हो बट डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख दें, ओनली डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, न्यूमरेटर कुछ भी हो। निलेश स्विच ऑफ योर माइक। अनलाइक फ्रैक्शन में ये होता है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, ठीक है, दैट मींस कि ये कोई भी नंबर हो, 5/2, 3/9, 8/6, 4/7, तो देखो डिनोमिनेटर सभी में डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये साइन मैंने फिर से रिवाइज कराया था, ये खुला हुआ जो पार्ट होता है वो बिग पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये 4 है और ये 5 है, यानी कि 5 बड़ा है और 4 छोटा है, दैट मींस 4 इज स्मॉलर देन 5। आप लोगों का टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे गलत हुए हैं, ओके, दैट इज व्हाई आई एम रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। सो अगर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर होता है देन डिनोमिनेटर, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, ये जो है वो 4 है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, दैट मींस कि 7 है, तो 4/7, न्यूमरेटर देखो यहाँ छोटा है, 7 बड़ा है डिनोमिनेटर, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके नाउ वी विल कम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी अगर कुछ ऐसा हो 8/2 हो, ओके, ये सपोज 8/3 हो, ठीक है, 8/2, 8/1, 8/8 से अगर छोटा हो, यानी कि न्यूमरेटर वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन में, ठीक है, ये दोनों एक टाइप का और ये दोनों एक जैसा, और ये हम देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। देखो अगर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 1 अगर हो, ठीक है, न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, लाइक 1/2, लाइक 1/7, लाइक 1/8, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। ओके नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक रिलेशन होता है, ठीक है। पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं वो क्या होता है। लेट्स सपोज होल नंबर में भी नंबर अगर दिया हुआ हो, जैसे कि 2/1/3 अगर ऐसा हो, ठीक है, हो 4.5, ठीक है, किसी किसी को मार्क्स मिलते हैं ना 20.5 मार्क्स, उसी टाइप का, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ये दोनों का अपना रिलेशन है,
ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इसका रिकॉर्डिंग जब भेजूंगी तो आप लोग ये अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, ताकि इजी पड़े लर्न देखने में, और इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस बना सकते हो अगर भूल गए तो पैटर्न। ओके, नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइज 8.2, वन नंबर, राइट टू लाइक फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी लाइक फ्रैक्शन बताना है सारे का। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है ना, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं? तो देखो, जैसे ये लाइक फ्रैक्शन है, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, नाउ अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, एंड दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, अनलाइक। नाउ वी कैन चेंज अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ऑफ वन फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन। ओके, जयवीर एंड दिया पटेल, ऑफ योर मैम, कन्वर्ट 2/5 एंड 3/7/3 टू लाइक फ्रैक्शन। अभी देखो, इसे हम लाइक फ्रैक्शन, जयवीर ऑफ योर मैम, जयवीर ओके, तो यहाँ पर हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 2/5 है एंड 7/3 है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कि ये दोनों का जो डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए। ओके, तो 5 है और यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है और यहाँ पे ये 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, ये 2/5 है तो यहाँ पर 2/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, एंड वी गेट दिस नंबर। और ये 7/3 है तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और वी गेट दिस नंबर। यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर हमें सेम मिल गया, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो एक बार उसे देखो, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी किसी को डाउट नहीं है? तो अभी हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं, राइट टू लाइक फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये सभी का अपना अपना हो सकता है, ठीक है। बस हमें लाइक फ्रैक्शन में ये ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहे, है ना। तो यहाँ पर हम बस लिखेंगे कोई भी, हमें अभी तो हमें ऐसा कोई दो नंबर नहीं दिया है जिसको हमें एक जैसा कन्वर्ट करना है, तो हम इससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक 4/7 लिख सकते हैं, 8/7 लिख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसी तरीके से मान लिया डी नंबर है तो कुछ भी लिख दो, 11/13 होना चाहिए, ये 13 बस सेम होना चाहिए, फिर यहाँ 12/13, तो ये 2 लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से सभी का अपना अपना आंसर वैरी कर सकता है, ठीक है। नाउ सेपरेट द ओके,
सेपरेट द प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन. तो हम एक एक करके चलेंगे. देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर अगर छोटा हो डिनोमिनेटर से. अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये देख लो, न्यूमरेटर अगर छोटा हो डिनोमिनेटर से. माइक क्यों ऑन करके छोड़ दे रहे हो मैडम? चलो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स बस बाकी है, तो इस पे ध्यान दे दो. ठीक है, अभी माइक नहीं ऑन करना, अदरवाइज वी ऑल गेट डिस्टर्ब. ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं. तो सारे इसमें से कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें कि उसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो? ये नहीं है. दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ ये तो है नहीं. दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. देन दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. देन दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, और तो कुछ नहीं है. न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा. ठीक है, नहीं है. सबसे पहले क्लियरली हम लोगों को तो मिक्स फ्रैक्शन पता चल जाएगा. मिक्स फ्रैक्शन कौन सा होता है? जो होल नंबर्स में होते हैं. ये वाले हो गए मिक्स फ्रैक्शन, ये वाले हो गए मिक्स फ्रैक्शन, देन ये है मिक्स फ्रैक्शन और ये है मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स पता चल गया, प्रॉपर पता चल गया. अभी इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर में क्या था प्रॉपर्टी? न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा. ठीक है, तो बाकी का सारा बचा हुआ इम्प्रॉपर ही होगा. ये है इम्प्रॉपर, देन दिस इज इम्प्रॉपर. ओके दिया पटेल, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. दिस इज द लास्ट वार्निंग. ओके, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगेन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. नाउ टेक द करेक्ट आंसर. अभी देखो ये हम लोग कन्वर्जन पढ़ लेते हैं एक बार. ओके, अगर ये पढ़ लिए तो ये भी समझ में आएगा और ये भी समझ में आ जाएगा. ओके, तो ये हम लोग देखते हैं. मैंने बताया आप लोगों को दैट हम लोग इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड को चेंज कर सकते हैं. इम्प्रॉपर का क्या प्रॉपर्टी था? कि न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो. दैट मीन्स 14/6 हो सकता है और इसे हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं. देखो जब हम ये 6 है ना, 14/6 का मतलब होता है 6/14. ये सभी को पता है? सभी को पता है ना? यस मैम. ओके, अभी देखो 6 का टेबल में 6 1s are 6, 6 2s are 12 एंड 6 3s are 18. ठीक है, तो 18 तो पार हो गया बट 6 2s are 12 होता है. अभी सब्ट्रैक्ट करने पर हमें हमारे पास ये 2 रिमाइंडर बच जाता है. ठीक है, तो देखो 6 यहाँ होगा और ये 2 and 2. इसे हम एक बार दूसरे नंबर से देखते हैं ताकि क्लियर हो जाइए. ओके, तो दिस इज 18/7. ओके, वी गेट दिस नंबर. नाउ इसे हम डिवाइड करते हैं, 7 2s are 14 और ये 5 मिल गया. अभी देखो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? ये ऐसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे. ये 7 जिससे जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर के ही प्लेस में लिखेंगे. डिनोमिनेटर में 7 है वो वही लिख देंगे. हम यूज करते हैं इसका, इसका और इसका. मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखते हैं ना 3 जगह, एक न्यूमरेटर लिखते हैं, एक डिनोमिनेटर लिखते हैं और एक यहाँ पर लिखते हैं होल नंबर, है ना? तो हम डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ही लिखेंगे. देन ये जो 2 है ना क्वेश्चन में, वो 2 को बीच में लिखेंगे और ये 5 को ऊपर लिखेंगे. ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका. अभी देखो ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन जो आया है. अभी हम फिर से यही मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. ठीक है, तो देखो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो मल्टीप्लिकेशन मार्क्स जो आएगा नंबर, उसे में इसको ऐड कर देंगे. 7 2s are 14, है ना? एंड 14 + 5 + 5 क्या होता है? 19 मैम. और यहाँ पे 4 है, किसी ने बोला भी नहीं.
ओके यहाँ पर फोर होगा, किसी ने बोला भी नहीं है ना, ये फोर है, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू फोर ना होगा। ओके तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 इंटू टू 14, 14 प्लस 4 क्या हो जाता है 18। तो अभी देखो 18 डिवाइडेड बाई 7, देखो वही चीज आया 18 डिवाइडेड बाई 7। अभी आधे लोगों का तो ऊपर से पार हो गया होगा, किसी को समझ ही नहीं आया होगा ये, आई गेस बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, या समझ में आ गया ये बताओ। समझ में आ गया, ठीक है। आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ द ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन, ठीक है। कल के लिए वीडियो रहेगा और कुछ क्वेश्चन के वीडियो रहेंगे, तो ये आप लोग करके उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे, ठीक है। ओके जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। That's all for today. तो आज हम लोगों ने division देखा है, division के through two equivalent fraction कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों का homework है, ठीक है। सभी भूल रहे हैं तो equivalent fraction फिर से एक बार देख लेना है। एंड देन हम लोगों ने आज देखा like fraction, unlike fraction, proper fraction, improper fraction, then unit fraction and mixed fraction. तो ये सभी पूरा revision कर लेना है, then we will come to the next topic. Okay? ठीक है? Yes ma'am. और ये जो video है ये दोबारा सभी कोई एक बार फिर से देखना अपने अपने link से, ठीक है, recorded video. Yes ma'am. Okay, so that ये पूरे तरीके से okay ma'am. Yes ma'am. So for today, okay, ma'am. Your homework will be these all. Fine. And try to do these all question if you understand. Okay. And question number 4 and 7. Okay. So thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye.